दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कर्मचारी के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। आबानेरी सर्विस रोड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। महिलाओं सहित ग्रामीण उतरे सड़क पर। बांदीकुई उपखंड से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी से सर्विस रोड की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे थे ग्रामीण। ग्रामीणों ने मंगलवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी के लाइजन अधिकारी व उनके एक अन्य साथी के साथ मारपीट की। मामला जिले के बांदीकुई उपखंड के आबानेरी गांव के आमाली डे, जहां दर्जनों महिलाओं एवं पुरुष एकत्रित होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं व सर्विस रोड की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कंपनी के डंपर आने जाने वाले वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान रास्ता खुलवाने के लिए पहुंचे नेशनल हाईवे कंपनी के लाइजन मैनेजर मनोहर प्रजापत व उनके अन्य साथी के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। ग्रामीणों का कहना है कि नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी से हम लंबे समय से सर्विस रोड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो नेशनल हाईवे बनाया है उसमें हमारे गांव में आसपास की कई ढाणियों की पूरी तरह आवाजाही से बाधित हो गए हैं। जो अंडरपास बनाया है उसमें हाल ही में कुछ दिन पूर्व बारिश आई तो बारिश का पानी अंडरपास में भर गया। ऐसे में लोगों का कनेक्शन चारों तरफ से पूरी तरह से कट गया। हालात ये हैं कि अगर ढाणी में कहीं आग भी लग जाती है तो दमकल भी नहीं पहुंच सकती है। ऐसे हालात में एम्बुलेंस की आवाजाही भी संभव नहीं है। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल बांदीकुई थाना पुलिस ग्रामीणों को समझाकर रास्ता खुलवाकर यातायात सुचारू करा दिया है। बाइट सरोज ग्रामीण महिला। ठाकरण का ना साहब, ये यहाँ पर पड़ोस में ठाकरण का हमारा समाज के साथ रही है। हमने इससे कहा कि हमें साफ सर्विस रोड चाहिए, ये बोला आपको सर्विस रोड मर तो जाओगे पर सर्विस रोड नहीं मिलेगा। अगर पुड़िया में आग लग के तुम सब मर जाओ ना तो आपको सर्विस रोड नहीं मिलेगा। तो मैं साहब आप हमको सेल्फ गोल ला के दे दे, हम सब खा जाएंगे और मर जाएंगे। हमारी सारी बस्ती में आग लग जाए ना तो भी दमकल नहीं मिलेगी आपको आग बुझाने की। किसी हमने ये बात की और ये हमसे बढ़ गया और ये हमने खूब नोरा खाया और दोपहर देर तक अभियान चलाते रहे और लेकिन हमारा कोई सलूशन नहीं निकाला इन लोगों ने। जो अभी दो नाम ले लो, मेरा नाम सरोज है साहब।